बस्ती पहुंची बसपा सुप्रीमो मायावती ने किया जनसभा संबोधित। बस्ती जिले के राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में मायावती का हेलीकॉप्टर हुआ लैंड। मायावती के साथ सतीश चंद्र मिश्रा, मायावती के पति युवा नेता आकाश पहुंचे। बस्ती बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज बस्ती में 61 लोकसभा के प्रत्याशी राम प्रसाद चौधरी और संत कबीर नगर के उम्मीदवार कुशल तिवारी के समर्थन में जनसभा को किया संबोधित। मायावती ने राम प्रसाद चौधरी और विश्वशंकर कुशल तिवारी के लिए मांग की वोट। भाजपा और कांग्रेस ने दोनों जनता को छलने का काम किया। जनता कांग्रेस और भाजपा इन दोनों दलों के चुनावी प्रलोभ ने आई देश में आजादी के बाद के केंद्र व राज्य में सबसे अधिक समय तक कांग्रेस की सरकार रही। मायावती कांग्रेस की गलत नीतियों की वजह से आज देश की यह हालत है कि बेरोजगारी और गरीबी बढ़ी है। बसपा नोटबंदी व GST को बगैर किसी तैयारी के लागू किया गया, इससे देश में आर्थिक संकट पैदा हो गया, लोग बेरोजगार हो गए। भाजपा की केंद्र और प्रदेश की सरकार जुमलेबाजों की सरकार है। भाजपा की सरकार ने किसी के लिए कुछ नहीं किया और उन्होंने 2014 के चुनाव में जो वादा किया था उसका एक चार हिस्सा भी पूरा नहीं किया। आज उत्तर प्रदेश में आवारा जानवर की बड़ा मार हो गई है। ये जानवर किसानों के फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। किसान परेशान है, किसान रात रात भर जाग रहे अपने फसलों की रखवाली करते रहे। जुमलेबाजी की सरकार से प्रलोभ ने मत आना। प्रधानमंत्री मोदी के तरफ हमारे प्रत्याशी फर्जी पिछड़े वर्ग के नहीं है, हकीकत में पिछड़े वर्ग के है। अभी तक यूपी में जितने चरण के चुनाव हुए वह हमारे गठबंधन के प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। इसको देखकर भाजपा बहुत घबराई हुई है, उनके चेहरे पर हवाई उड़ रही है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि भाजपा व कांग्रेस को केंद्र में जाने से रोकना है। आज विरोधी पार्टियों के प्रलोभ ने मत आए क्योंकि आरएस के डंडे को ऊपर उठाने का काम किया। जनसभा के दौरान MLLC संत यादव सनी, संत कबीर नगर के प्रत्याशी भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी, सपा नेता महेंद्र नाथ यादव, विपिन शुक्ला, राजचंद्र प्रसाद चौधरी, दूतराम जितेंद्र कुमार उर्फ नंदू चौधरी, कविंद्र अतुल चौधरी रहे मौजूद। हालांकि आप लोगों को ये मालूम है कि जब अपना मुख का डाल हुआ था तो आजादी के बाद काफी लंबे समय तक केंद्र प्रदेश के ज्यादातर राज्यों में और आपके यहाँ उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी ही सत्ता में रही। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लंबे अरसे के शासनकाल में ना तो आप लोगों की गरीबी दूर हो पाई, ना बेरोजगारी दूर हो पाई, ना ही किसान हमें खुशहाल नजर आए और ना ही जो अन्य मेहनत का श्रोम है वो भी हमें किसी वो भी अपनी जो समस्याएं हैं उनसे वो निपटते हुए हमें नजर आए। डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान के तहत जो आप लोगों को कानूनी अधिकार दिए, खासतौर से दलितों को, आदिवासियों को, अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को जो कानूनी अधिकार दिए उसका भी पूरा लाभ आप लोगों को नहीं मिल पाया। तब यहाँ भारतीय जनता पार्टी ही केंद्र की सत्ता में आसीन रही, जिन्होंने अधिकांश यहाँ कांग्रेस पार्टी के ही पद के ऊपर चलकर अपनी सरकार चलाई है। और इतना ही नहीं बल्कि सरकार ने देश में जनहित में कार्य करने की बजाय ज्यादातर यहाँ अपने RSS के एजेंडे को ही लागू किया है। और अब वर्तमान में देश में लोकसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भी केंद्र में अपनी सरकार की रही, खासकर आरएसएसवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण सांप्रदायिक द्वेषपूर्ण व जातिवादी गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली की वजह से इस बार ये पार्टी भी केंद्र की सरकार से जरूर भाग। बस्ती से विकास पांडे की रिपोर्ट, लोक समता न्यूज चैनल, बस्ती।